लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। आप चुप बैठिए। इनका वीडियो ऐसा है कि पहले दो थप्पड़ मारने का। देश के बड़े व्यापारी और स्वयं को योग गुरु कहने वाले रामदेव द्वारा एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा पर की गई टिप्पणी के विरोध में देश भर के डॉक्टर काला दिवस मना रहे हैं। पतंजलि के संस्थापक रामदेव की गिरफ्तारी के लिए देश भर के अस्पतालों के डॉक्टर और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तख्तियां पकड़ी और गिरफ्तारी की मांग की। चिकित्सा संघों ने भी उनकी टिप्पणी के लिए उनसे बिना शर्त खुली सार्वजनिक माफी मांगी है। कई डॉक्टर विरोध के प्रतीक के रूप में काली पट्टी या काले रिबन पहने हुए हैं। ये तब शुरू हुआ जब रामदेव ने एलोपैथी चिकित्सकों के बारे में एक घटिया टिप्पणी की और कहा कि लोग एलोपैथी दवाओं के सेवन से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलोपैथी एक मूर्खतापूर्ण विज्ञान है और ये किसी काम का नहीं है। रामदेव ने कहा, ऐसे विज्ञान का क्या फायदा जो डॉक्टरों को नहीं बचा सका। तीसरा बोला, मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा, डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वह योग आयुर्वेद का अभ्यास कर रहे हैं और उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। वो अलग बात है कि खुद रामदेव कई बार अपने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए और इन्हीं डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ और उन कोविड योद्धाओं के खिलाफ बार बार दिए गए बयानों से सभी डॉक्टर और देश भर की जनता आहत है। डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए अपनी जान गंवाई है। वहीं दूसरी ओर रामदेव हर दिन इलाज की नीति और वैक्सीन की रणनीति के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। इस बीच एक न्यूज चैनल से बात करते हुए रामदेव ने कहा कि उन्होंने अपनी टिप्पणी वापस ले ली है और अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए माफी मांग रहे हैं।